हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ऑटो पैशन इंडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंडर 20 लैक्स बेस्ट 7 सीटर, वो भी हुंडई ब्रांड से। चलिए गाड़ी देखते हैं गाइस। ये है अल्काज़ार, आप देख सकते हो हुंडई ब्रांड से कितनी खूबसूरत लग रही है वाइट कलर में। अंडर 20 लैक्स मेरे ओपिनियन में इससे अच्छी 7 सीटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये इसका बेस में डीजल वर्जन है, इसका बेस पेट्रोल वर्जन भी आता है, प्रेस्टीज प्रेस्टीज में डीजल भी आता है। चलिए इसका वॉक राउंड शुरू करते हैं। गाइस, हुंडई अल्काज़ार के अगर फ्रंट से बात करें तो इसमें हुंडई का लोगो मिल जाता है। न्यू आपको फ्रंट में ग्रिल मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। पहले से ज़्यादा आपको ये क्रोम लाइनिंग मिल जाती है पूरे फ्रंट में, काफ़ी ज़्यादा इसको एक बोल्ड लुक देती है। इसका फ्रंट में आपको यहाँ पे DRL मिल जाता है, यहाँ पे इसके लैम्प्स मिल जाते हैं, फ्रंट हेड लैम्प्स, और नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे भी क्रोम वर्क दिया गया है फ्रंट और रेयर बम्पर। आपको बॉडी कलर मिल जाता है, यहाँ फ्रंट में आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट मिल जाती है। फ्रंट में आप यहाँ पे ग्रिल देख सकते हैं मैट ब्लैक फिनिश में, यहाँ पे लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। इस तरफ भी बिल्कुल सेम सेटअप है। इसके व्हील्स देख लेते हैं, JK टायर्स के इसमें टायर लगे हुए हैं और इसका अलॉय काफ़ी अच्छा लग रहा है, डायमंड कट में सिल्वर और ब्लैक कलर में है। और इसका टायर प्रोफाइल 215/60 R17 है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORVM मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, और अंदर से ये एडजस्ट हो जाते हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं। आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएगा डोर हैंडल्स पे, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड पे मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इस तरफ में पिलर आप देख लीजिए, पूरा मैट ब्लैक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है, ये पिलर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया है, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। यहाँ पे आपको ऊपर सिल्वर में रूफ रेल्स मिल जाती हैं। पीछे का एक बार लुक देख लीजिए साइड से, काफ़ी लंबी गाड़ी है ये, 7 सीटर है प्रॉपर। इसमें 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, चाहे आप पेट्रोल लीजिए चाहे डीजल। पीछे का भी पूरा LED सेटअप है, फ्रंट में भी आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लाइट मिल जाती है, अल्काज़ार की बैजिंग मिल जाती है। आप पीछे देख सकते हैं डार्क क्रोम का यूज़ किया है और अल्काज़ार में इन्होंने क्रोम का यूज़ किया है। सेम क्रोम में आपको हुंडई का लोगो मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, आपको वॉशर मिल जाता है, रेयर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है रेयर में। आपको बॉडी कलर में शार्फन एंटीना मिल जाता है, पैनारोमिक सनरूफ आप देख सकते हो बेस में। दोस्तों पैनारोमिक सनरूफ बहुत बड़ी बात होती है, दो डुअल कॉम्बिनेशन में आपको स्पॉयलर मिल जाता है वाइट एंड ब्लैक में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप ये फिनिश देख सकते हैं, ये प्रीमियम गाड़ियों में आती है और अंडर 20 लैक्स में अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो कितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रही है। आप खुद सोच सकते हो, रिफ्लेक्टर्स दोनों तरफ मिल जाते हैं, 3 टोन में पीछे का आपको बम्पर कंप्लीट किया है, एक बॉडी कलर में दिया है वाइट, ये आपको रगेड ब्लैक दिया है यहाँ पे मैट ब्लैक, और यहाँ पे भी आपको सिल्वर में पीछे स्किड प्लेट दी हुई है। दो आपको एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, आप देख रहे हो इसके फीचर्स कितने ज़बरदस्त हैं। पीछे आपको 1, 2, 3, 4 आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। पीछे की सीट आप 50-50 में स्प्लिट कर सकते हो, थर्ड रो सेंट्रल रो आप 40 और 60 में स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हैंगिंग के लिए हुक्स दिए हैं, दोनों तरफ बूट लैंप आपको मिल जाता है। पीछे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, दोनों तरफ आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। थर्ड रो के लिए, थर्ड रो में आपको 2 सीट बेल्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, सेंटर रो में आपको 3 सीट बेल्ट्स का ऑप्शन मिलता है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एक बार इसको मैं पीछे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है थर्ड रो के लिए, आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन बात है। एक बेस मॉडल में आपको टोटल बीच में 2 हैं, आगे 2 हैं, पीछे, तो टोटल 6 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका टूल किट दिया हुआ है, नीचे स्पेयर व्हील दिया है जो बिल्कुल सेम साइज़ का है, काफ़ी अच्छा फिनिश किया है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिख रही। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, इस तरफ देख लीजिए, डो ट्रिम आपको सनशेड मिल जाते हैं दोस्तों, बेस मॉडल में सनशेड अंडर 20 लैक्स बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है, ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, सिल्वर में लाइनिंग मिल जाती है, सिल्वर में आपको लीवर्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का यहाँ सिस्टम मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाती है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 10 इंच का इसका टच स्क्रीन दिया हुआ है इसमें,
1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट मिल जाती है मेटल में चारों डोर्स पे, आप देख सकते हो ये सीट स्लाइड हो जाती है, स्लाइड होके हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको, यहाँ से टंबल भी हो जाती है। आइसोफिक्स का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम टंबल कर सकते हैं इस लीवर से, आप देख रहे हो। एंड टंबल के बाद आई थिंक हमें इसे आगे, चलिए उस तरफ से एंटर करेंगे। इसमें रिक्लाइन एंगल भी आप सेट कर सकते हो, ये स्ट्रेट पोजीशन पे है, दो लेवल और ये पीछे जा सकती है, एक बार आपको करके दिखाता हूँ। आप ये देख लीजिए, उधर की सीट देखिए आपको, ये स्ट्रेट एंगल पे है, ये फुल रिक्लाइन पे है, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको पीछे दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है स्टोरेज के लिए, यहाँ पे मोबाइल स्टोरेज आप कर सकते हो। पीछे दोनों सीट्स पे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्रे मिल जाती है दोस्तों, बेस में ट्रे मिल जाती है, यहाँ पे अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हो, आईपैड रख के काम कर सकते हो, रख के इस पर खाना खा सकते हो। इसमें ग्लास होल्डर भी दिया है, सेंटर आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ प्रॉपरली। सेंटर आर्म रेस्ट इसमें मिल जाता है, पूरा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री इसमें मिलती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सेम टू सेम आपके डोर के कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है, ब्लैक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक स्टिचिंग के साथ काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है इसकी फिनिश। चलिए बैठ के देखते हैं, आप देखिए नी रूम कितना ज़्यादा है मेरे पास, नीचे फुट रूम कितना ज़्यादा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। इसका फ्यूल कैप देख लीजिए इस तरफ से, इस तरफ से प्रोफाइल देख लीजिए, कितनी खूबसूरत लग रही है, ये ग्लास वर्क कितना बड़ा इसमें दिया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं लगती। इस तरफ का भी बिल्कुल डोर प्रोफाइल सेम है, इधर भी आपको सनशेड मिल जाता है दोस्तों बेस में, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसको एक बार आगे पुश करते हैं, ये टंबल हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ पीछे की सीट पर। अब आप पीछे की एक बार जगह देख लीजिए, इधर मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है, ये इसका स्ट्रेट में एंगल है और ये मैं फुल रिक्लाइन पे बैठा हूँ। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो, तो ये बच्चों के लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगी, और ये मोस्टली हर 7 सीटर में ही रहता है अगर आप इस बजट की बात करते हो तो, और आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसकी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रंट पैसेंजर सीट पर चलते हैं, इधर का डोर ट्रिम देख लीजिए एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, काफ़ी वाइड ओपन होता है। पैसेंजर साइड की सीट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं कर सकते, अपहोल्स्ट्री आपको वही सेम दी है, एम्बिएंट लाइटिंग इसमें आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है दोस्तों, बेस में कूल ग्लव बॉक्स, काफ़ी बढ़िया बात है। एयर बैग्स देख लेते हैं, एक इधर, दो, तीन, और सीट्स पे देख लेते हैं, टोटल 6 एयर बैग्स आपको बेस में मिल जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है ये। ऑलरेडी मैं ग्लव बॉक्स दिखा चुका हूँ, इधर आप देख सकते हो 10 इंच से के बराबर का ये टच स्क्रीन सिस्टम है। नीचे आपको हजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है, आपको फ्रंट में 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं, कितना खूबसूरत है। डुअल टोन में फिनिश्ड आपका डैशबोर्ड मिल जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक में हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ AC वेंट्स के चारों तरफ मिल जाती है, सिल्वर फिनिश मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिल जाते हैं, इसमें आई थिंक 2 ज़ोन ऑटोमेटिक कंट्रोल है। यहाँ पे आप रेयर के लिए सेट कर सकते हो, रेयर डिफॉगर है, फ्रंट डिफॉगर है, ऑफ है, रेयर के लिए AC यहाँ से आप स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। यहाँ पे फ्रंट में आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, और आई थिंक वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है फ्रेंड्स, वायरलेस चार्जिंग बेस में मिल रही है, आप यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख सकते हो, पियानो ब्लैक फिनिश देख सकते हो, यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो कैमरेज के, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बैक में बैक का व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, बीच में आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, लेदर रैप यहाँ के ट्रांसमिशन पे आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फील देता है। यहाँ पर देख लेते हैं सेंटर आर्मरेस्ट फ्रंट में मिल जाता है, काफ़ी डीप है इसमें जगह, ये काफ़ी अच्छी बात है, और ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, SOS का पॉइंट मिलता है, टो के लिए आप यहाँ कर सकते हो, एंड ब्लू लिंक मिल जाता है इसमें हुंडई का, फ्रंट के आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ से पैनोरामिक सनरूफ ओपन होगी, अभी उधर बैठ के आपको दिखाता हूँ। यहाँ फ्रंट पर आपको 2 लाइट्स मिल जाती हैं, इस तरफ आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। चलिए ड्राइवर एंड पे चलते, चलिए ड्राइवर सीट पर चलते हैं।
इस तरफ का डोर ट्रिम आप देख लीजिए एग्जैक्टली सेम है, ब्राउन और ब्लैक में। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, पावर विंडो का किल स्विच मिल जाता है, लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है, फोल्ड अनफोल्ड ओआरवीएम के लिए मिल जाता है, ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए पॉइंट मिल जाता है, नीचे आपको डेड पेडल मिल जाता है, क्लच ब्रेक एंड एक्सेलेटर मिल जाता है। यहाँ से इस लीवर से आप इंजन बे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, आइडल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं और हेडलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की सीट को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ का स्टेयरिंग व्हील देख लीजिए लेदर रैप्ड है, उसके बावजूद यहाँ कस्टमर ने इसके ऊपर कवर चढ़वा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच में आपको सिल्वर वर्क मिल जाता है, इस तरफ से आप क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आपको वॉल्यूम कंट्रोल, कॉल पिक ड्रॉप और वॉइस कमांड देख सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वाइपर एंड वॉशर ऑपरेट कर सकते हैं, इस तरफ से आप लाइट्स एंड इंडिकेटर। फ्रंट में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको इस तरफ आरपीएम मीटर मिल जाएगा, बीच में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इस तरफ आपको फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाएगा। एक बार आप क्लोजअप देख लो, आप ये टच स्क्रीन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप नेविगेशन पे आ सकते हो, यहाँ पे आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कनेक्ट कर सकते हैं, रेडियो पे हम आ सकते हैं, यहाँ से मैप्स पे हम यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन है। मेन्यू पे आ जाइए, नेविगेशन मेन्यू पे आ जाइए, मेन मेन्यू पे आ जाइए, ये आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है, काफ़ी अच्छा यूआई है इसका। एक बार आपको पैनोरामिक सनरूफ खोल के दिखाता हूँ, इसका सनशेड हट रहा है, आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छे मटेरियल का है, स्टडी है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है दोस्तों, बेस में आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा ओपनिंग मिल रही है आपको, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे पैसेंजर के लिए वो रिमाइंडर्स हैं आपके एयरबैग्स के लिए या सीट बेल्ट्स के लिए, यहाँ पे आई थिंक सीट बेल्ट्स का है ये। चलिए एक बार आपको इंजन में खोल के दिखाता हूँ, लाइट्स एक बार ऑन करके आपको दिखा दूँ। बैकलाइट पहले देख लेते हैं, यहाँ से आप बैकलाइट देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इस तरफ ORVM आप देख लीजिए, फ्रंट में लाइट्स देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों हुंडई ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है अल्काज़ार में, कि बेस में भी इतना कुछ दे दिया है जो आप को 20 लाख से ज़्यादा महंगी गाड़ियों में मिलता है। आप एक बार मार्केट रिसर्च करके देख लेना। इसका इंजन भी खोलते हैं, काफ़ी हैवी हुड है इसका, आप देख सकते हैं काफ़ी वेटेड है, इसमें अच्छे से इंसुलेशन किया हुआ है, काफ़ी क्लीन सेटअप लग रहा है। CRDI 16 व्हील इसमें लिखा है, चार सिलेंडर का इंजन है ये, चार वॉल्व का इंजन है ये, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, मैक्सिमम पावर 113 PS की निकालता है, मैक्सिमम टॉर्क इसका 250 न्यूटन मीटर है। फ्रंट में आपको वाइपर एंड वॉशर मिल जाते हैं, चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी आ जाता है, बेस में ही प्रेस्टिज, उसमें 1.5 लीटर का आपको टर्बोचार्ज इंजन मिलता है और 160 PS की मैक्सिमम पावर वो निकालता है, वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। आप सोच के देखो 19.5 लाख रुपए के आसपास वो ऑन रोड लखनऊ में आ जाता है मेरे ख्याल से, और ये 20.25 लाख रुपए के आसपास या 20 लाख रुपए जस्ट ये क्रॉस करता है डीजल वेरिएंट, तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इसको ये बना देता है। इतनी पावर, इतने फीचर्स एक बेस मॉडल में कंपनी ने भर के दिए हैं, वो भी 7 सीटर गाड़ी के साथ, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ये देती है और जस्टिफाई करता है अपना 1-1 रुपये। हुंडई अल्काज़ार के अगर डायमेंशन की बात करूं तो 4500 mm की है, विड्थ इसकी 1790 mm की है, इसकी हाइट 1675 mm की है, 6 सीटर और 7 सीटर कैपेसिटी में ही आती है। आज मैंने आपको ये 7 सीटर में दिखाई, आई थिंक प्रेस्टीज में सिर्फ 7 सीटर ही आता है। व्हील बेस इसका 2760 mm का है, कर्व वेट इसका 1575 kg का है। दोस्तों हुंडई अल्काज़ार अब शोरूम के अंदर आ चुकी है डिलीवरी के लिए, जल्दी से आपको इसके प्राइसेस बता देता हूँ। डीजल में इसका प्राइस जो है एक्स शोरूम 70,73,300 rupees है और ऑन रोड 20,47,271 rupees पड़ता है प्रेस्टीज का डीजल बेस।
एंड पेट्रोल में इसका जो प्रेस्टीज बेस पड़ता है वो 16,77,500 रुपीज़ एक्स शोरूम है, और ऑन रोड प्राइस 19,37,605 रुपीज़ है लखनऊ में। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वैल्यू ये ऑफर करती है अंडर 20 लाख। दोस्तों आज की गाड़ी हुंडई अल्काज़ार आपको कैसी लगी? प्रेस्टीज वेरिएंट ये डीजल का, इसमें प्रेस्टीज में पेट्रोल भी आता है, दोनों काफी अच्छी वैल्यू ऑफर करते हैं। 16.5 लाख रुपए में पेट्रोल मिल जाता है और 17.5 लाख रुपए में आपको डीजल मिल जाता है, और अंडर 20 लाख के आसपास ये दोनों गाड़ियां आ जाती हैं। आप मुझे बताइए कि इतने ज्यादा फीचर्स आपको किस बेस में मिलते हैं, 7 सीटर के या इससे टॉप की गाड़ियों में भी इससे कम आपको फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन जाती है। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये जानने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छी गाड़ी आपके लिए लेकर आऊँ। और आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ SAS हुंडई स्टेशन रोड लखनऊ को। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप कॉल करके शोरूम आइएगा, ताकि आने के बाद आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ़।